हमारे भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा संचालित क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान नंदनवन नागपुर द्वारा 10 नवंबर 2023 को 8वां आयुर्वेदिक दिन मनाया जा रहा है। हर दिन हर किसी के लिए आयुर्वेद यह इस वर्ष की आयुर्वेद दिन की संकल्पना है। इसी के चलते 10 अक्टूबर से 10 नवंबर तक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अनुसंधान संस्थान द्वारा विविध उपक्रम होने वाले हैं। इसी श्रृंखला में रविवार 5 नवंबर 2023 को सुबह 7 बजे से 8 बजे तक शहर में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करने के लिए रथ यात्रा, साइकिल रैली, बाइक रैली और ई रिक्शा रैली का आयोजन किया गया है। क्षेत्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान नागपुर के प्रभारी सहायक निदेशक डॉक्टर मिलिंद सूर्यवंशी ने पत्र परिषद में बताया, ईश्वर देशमुख शारीरिक शिक्षण संस्था क्रीड़ा चौक से रैली का प्रारंभ होगा। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता प्रशिक्षक विजय मुनीश्वर, आशियाई स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली महाराष्ट्र की प्रथम महिला बॉक्सर अल्फिया पठान, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के साइकिल पटु अमित समर्थ, राष्ट्रीय संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ की शारीरिक शिक्षण विभाग के निदेशक डॉक्टर शरद सूर्यवंशी, ईश्वर देशमुख कॉलेज के प्राचार्य एस नायडू हरी झंडी दिखाकर रैली को प्रारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वीडियो के माध्यम से रैली को शुभेच्छा संदेश देंगे। डॉक्टर सूर्यवंशी ने बताया, इस प्रकार होगा रैली का मार्ग। वेदनाथ दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद आदि 8 संस्थाओं का सहभाग रहने वाली रथ यात्रा में 1000 लोग सहभागी होंगे, जो ईश्वर देशमुख कॉलेज से निकलेगी। मेडिकल चौक, अशोक चौक, रेशम बाग चौक से होते हुए ईश्वर देशमुख कॉलेज में रैली का समापन होगा। 50 एनफील्ड राइडर्स के सहभाग वाली बाइक रैली ईश्वर देशमुख कॉलेज से निकलेगी। मेडिकल चौक, जाट तरुड़ी चौक, सरदार पटेल चौक, NMC जोन 4 चौक, मुंजे चौक, आनंद टॉकेट, झांसी रानी चौक, शंकर नगर चौक, बजाज नगर चौक, लक्ष्मी नगर चौक, रेशम बाग चौक से ईश्वर देशमुख कॉलेज में पहुंचेगी। साइकिल रैली में 60 से 70 साइकिल सवार रहेंगे। वे तुकड़ोजी पुतला, विशाल मेगा मार्ट, जगनाडे चौक होते हुए ईश्वर देशमुख में पहुंचेंगे। ई रिक्शा रैली में 20 रिक्शा चालकों का सहभाग रहेगा। मेडिकल चौक, सम्राट अशोक चौक होते हुए वे ईश्वर देशमुख में पहुंचेंगे। रविवार 5 नवंबर को निकलने वाली इन रैलियों में आयुर्वेद व्यासपीठ, नीमा दत्ता मेघे इंस्टीट्यूट वेदनाथ, KDK आयुर्वेदिक कॉलेज, श्री आयुर्वेदिक शासकीय आयुर्वेदिक कॉलेज, आरोग्य भारती, विज्ञान भारती, नीरी, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर डॉक्टर्स एसोसिएशन, लायंस क्लब, आदर्श फार्मेसी कॉलेज, बेटियां शक्ति फाउंडेशन, पुलक मंच, अमर स्वरूप फाउंडेशन आदि संस्थाओं का सहभाग रहेगा। पारितोषिक और प्रमाण पत्र वितरण रैली में सहभागी प्रत्येक सदस्य और संस्थाओं को प्रमाण पत्र वितरित किया जाएगा और विजेताओं को पारितोषिक से सम्मानित किया जाएगा। ईश्वर देशमुख शारीरिक महाविद्यालय में सभी रैलियां पहुंचने के बाद सुबह 8 बजे समारोपीय कार्यक्रम होगा, जिसमें विधायक मोहन मते, विधायक कृष्णा खोपड़े, पूर्व विधायक गिरीश व्यास, पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे इन मान्यवरों की उपस्थिति रहेगी। विविध कार्यक्रमों का हमने आयोजन किया है। ये 8वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में, ये 8वें आयुर्वेद दिवस आप सब लोग जानते हैं कि आयुर्वेद दिवस जो है हम धनतेरस के दिन मनाते हैं, और ऐसी हमारी मान्यता है कि आयुर्वेद के प्रणेता भगवान धन्वंतरी जी का जन्म धनतेरस के दिन हुआ था। इस उपलक्ष्य में 2016 से आयुष मंत्रालय और भारत सरकार आयुर्वेद दिन मनाने की एक परंपरा और एक हम लोग उत्सव के तरीके से उसको मनाते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि हम आयुर्वेद के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करें। लोगों को जागरूकता पैदा करने का मतलब ये ऐसा नहीं है कि लोग भूल गए हैं, लोग जानते हैं कि आयुर्वेद ये है। हम लोगों को ये बताना है कि आयुर्वेद में क्या है, इसके प्रति हम आयुर्वेद के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। उसमें से विविध स्पर्धाओं का आयोजन करते हैं, चिकित्सा शिविरों का आयोजन करते हैं, अवेयरनेस कैंप लेते हैं, अवेयरनेस लेक्चर्स लेते हैं, मेडिसिनल प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। उसके साथ साथ आज जो 5 नवंबर को हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं, आयुर्वेद रैली का आयोजन कर रहे हैं, रन का आयोजन कर रहे हैं, उसके साथ साथ बाइक रैली का आयोजन कर रहे हैं, साइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं, और ये पूरी साइकिल रैली, बाइक रैली और पैदल रैली जो भी रहेगी वो 45 मिनट का पूरा रन रहेगा ये सभी का। और जहाँ से हमने शुरुआत की है ईश्वर देशमुख कॉलेज क्रीड़ा चौक से, वहीं पर इसका समापन होगा। इसमें बहुत सारे हमने जो अच्छी झांकियां निकालेंगे, जिनका दृश्य अच्छा होगा, जिसका मैसेज आयुर्वेद के प्रति अच्छा होगा, उनको हमने पारितोषिक का भी एक आयोजन किया है। उस तरीके से हमने पारितोषिक भी रखे हैं, प्रथम पारितोषिक, द्वितीय पारितोषिक और तृतीय पारितोषिक की हम उनको प्रदान करेंगे। और प्रदान करने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम बहुत, लेकिन एक उत्साह आएगा लोगों में
यही हमारा एक उद्देश्य है। उसके साथ साथ स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र का भी वितरण किया जाएगा। जितने भी लोग आएंगे उनको हम प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे। जो भी संगठनाएं हमको साथ देती हैं उसको स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र का वितरण करेंगे। और जो संगठन हम लोगों को सही में सहयोग कर रही है, जैसे बेटी शक्तिया संगठन है, इनसे वॉलंटियर्स हमारे लोग सारे काम कर रहे हैं, पुलक मंच हमारे साथ काम कर रहा है, अमर स्वरूप फाउंडेशन काम कर रहा है, आरोग्य भारती का काम कर रही है, विज्ञान भारती काम कर रही है, नीमा हमारे साथ काम कर रही है, आयुर्वेद व्यासपीठ हमारे साथ काम कर रहे हैं, सारे आयुर्वेद के कॉलेज जितने भी हैं, मतलब 6 आयुर्वेदा कॉलेज है नागपुर शहर में। और ये बड़ी गर्व की बात है कि नागपुर शहर में 6 आयुर्वेद कॉलेज और भी आयुर्वेद कॉलेज आ रहे हैं। फार्मास्यूटिकल्स कुछ कंपनियाँ हैं, मतलब पूरी कंपनियाँ तो नहीं, लेकिन जो जिस परिसर में है वो लोग, उनका हम लोगों को सहयोग मिल रहा है। और ये जन जन के लिए, नागपुर शहर के लिए बड़ी गौरव की बात है, ऐसा मैं मानता हूँ। और आदरणीय मंत्री महोदय नितिन जी गडकरी जी का हमको शुभ संदेश मिला है और उनका आशीर्वाद इस बात के लिए रहेगा और आप सभी का सहयोग उसके लिए बना रहेगा। इसी के साथ मैं आपके सहयोग की प्रार्थना करता हूँ। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़, नागपुर।